हाँ तो गाइस, पहली वीडियो में हमने देखा कि रियलिस्टिक तरीके से बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में किया था। और अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें कलर ग्रेडिंग एकदम रियलिस्टिक कैसे कर सकते हैं। मैं जल्दी से लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, लाइटरूम में मैंने इमेज को अपलोड कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है कि एडिट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर लाइट को चूज़ कर लेते हैं। वैसे तो हम कोई भी कलर नहीं इसमें डालने वाले, जो भी कलर है इसको हल्का हल्का सा ब्राइट और एकदम रियलिस्टिक बनाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से धीरे धीरे से सबको शेयर के देख लेते हैं। तो एक्सपोजर को हल्का सा हम बढ़ा लेते हैं, एकदम परफेक्ट है। और कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा लेते हैं, इसको रखते हैं 28। और हाईलाइट को छेड़ के देख लेते हैं, हाईलाइट को हमें रखना है -55। और शेडो को भी हल्का हल्का सा कम कर देते हैं, इसको रखते हैं हम -26, एकदम परफेक्ट है। और वाइट को भी हल्का सा कम कर देते हैं, इसको 38 -38 एकदम रखना है। और ब्लैक को हल्का हल्का सा कम कर देना है, इसको हम रखते हैं -26 रखते हैं। उसके बाद हमें सीधा कलर वाले टूल पर चले जाना है और टेम्परेचर को हल्का सा कम कर देते हैं, इसको रखते हैं -4। और टिंट को भी हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं, इसको रखते हैं +5 रखते हैं। ये वाइब्रेंस की बारी है, इसको हम छेड़ के देख लेते हैं, इसको हम रखते हैं -9 रखते हैं। और इसके बाद सेचुरेशन को हल्की सी बढ़ा देते हैं, इसको हम रखेंगे -+6 रखेंगे। और इसको यहाँ से डन कर देते हैं। अभी सबसे ऊपर वाला ये जो कलर का आइकन दिख रहा है इसमें चले जाना है और रेड कलर को हल्का हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं। इसकी यू को हम रखते हैं +18 और सेचुरेशन को हल्की सी कम कर देते हैं, -22 एकदम परफेक्ट है। अभी सीधे ऑरेंज वाले कलर में चले जाना है और यहाँ पर यू को हल्की सी बढ़ा देते हैं और सेचुरेशन को हल्की सी कम कर देते हैं, -15 एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद ये जो ल्यूमिनेंस है इसको हल्की सी इंक्रीज कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है कि अभी येलो वाले टोन में चले जाना है और इसकी सेचुरेशन को हल्की सी कम कर देते हैं और यू को भी हल्की हल्की सी कम कर देते हैं, -33 एकदम परफेक्ट है। और ल्यूमिनेंस को रखते हैं -26। अभी ग्रीन वाले कलर पर देखते हैं और इसकी सेचुरेशन को हल्की सी कम कर देते हैं, -13। और ल्यूमिनेंस को भी 32 -32 के अराउंड रखें और यू को हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं, इसको रखते हैं +8। अभी ये जो स्काई कलर है उसको भी हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं, इसको हम रखते हैं -22। इसकी सेचुरेशन को रखते हैं 11। अभी इसके बाद में ये जो कलर आ रहा है पर्पल सा, इस ये जो स्काई के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी यू को हमें हल्का सा कम करना है, इसको रखते हैं -19। और सेचुरेशन को भी हल्का सा देख लेते हैं, इसकी सेचुरेशन को हम रखते 16 रखते हैं, एकदम परफेक्ट है। और इसकी ल्यूमिनेंस को हम हल्का सा छोड़ के देख लेते हैं, इसकी ल्यूमिनेंस को रखते हैं -10, एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ से इसको डन कर देते हैं और सीधे चले जाते हैं इफेक्ट वाले टूल में। अभी टेक्स्चर को हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं, 15 एकदम परफेक्ट है। और क्लियरिटी को भी हल्का हल्का सा बढ़ा देते हैं और डेज को हल्का सा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको रखते हैं 16-18 रखते हैं, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद विग्नेट वाले ऑप्शन में चले जाना है और हल्का सा इसका अमाउंट है जो बढ़ा देना है। और मिड पॉइंट को भी अपने तरीके से देख लेते हैं, इसको 37 रखते हैं और फीदर को कम कर देते हैं, इसको रखते हैं 31। उसके बाद हमें ग्रेन को नहीं छेड़ना है, सीधा चला जाना है डिटेल वाले ऑप्शन में और इसमें कलर नॉइज है और नॉइज को हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें जो डिटेल है उसको कम कर देते हैं और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देते हैं, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद ये जो कलर नॉइज है
इसको भी हल्का हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं हम। इसमें क्या करना है कि डिटेल को हल्का सा कम कर देते हैं, 36 एकदम परफेक्ट है, और स्मूथनेस को भी हल्का सा कम कर देते हैं 37, और यहाँ से इसको डन कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है कि लाइट वाले ऑप्शन में फिर से चले जाना है, और यहाँ पर ये जो कर्व का ऑप्शन दिख रहा है उसको यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके 3 डॉट बना लेते हैं, ये सबसे पहला हाईलाइट का, और ये है हमारा मिड टर्म का, और सबसे आखिरी में ये शेडो का हो गया। तो हल्का हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले हल्के सी कलर हल्का हल्का सा ब्लू नहीं आ रहा था, लेकिन अभी एकदम परफेक्ट आ रहा है। अभी क्या करते हैं हम कि वाइट वाले कलर को हल्का सा छेड़ के देख लेते हैं। पर आप गाइस देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है एकदम बन के तैयार हो गई है, और इसकी जो आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, ये बिफोर और आफ्टर कैसा दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन के बाजू में शेयर वाला आइकन मिल जाता है, यहाँ से इमेज को सेव कर लेना है, और यहाँ से सेव कॉपी टू डिवाइस करते ही हमारा जो इमेज है वो सेव हो जाएगा।